अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं? मैं हूं ठीक हूं, अगर आपकी दुआओं से हम भी बिल्कुल ठीक है, खुदा का शुक्र है। और आज के दिन के लिए खास खुदा का शुक्र करते हैं, और मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से और मेरे हस्बैंड की तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक, ईद की ढेरों खुशियां मुबारक। और सबसे ज़बरदस्त कि आज का मौसम भी आपको मुबारक हो, क्योंकि आज का और कल का दिन बहुत खूबसूरत था, ठंडा था, बारिश भी नहीं थी। तो खुदा करे दो दिन जो बाकी हैं वो भी ऐसा ही मौसम रहे और आपकी ईद अच्छे से अच्छी गुजरे और गर्मी बिल्कुल ना आए। तो जी आज हम, जैसे हमने कल वाली वीडियो में बताया था कि हम फरजाना और सुनैरा के घर पे जाएंगे, तो सुनैरा लोगों ने की है अब्बू की दावत, तो हम लोग अभी अभी आए हैं। तो सारी जो आज की वीडियो है आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। या मुझे देखते हैं कि सुनैरा ने जो है दावत की है, हाँ वो दिखाते हैं आपको, हमारे साथ में बने रहिएगा जी। गाइस यहाँ मिले अनीला से, अनीला भी एंजॉय कर रही है छुट्टियाँ। कितनी छुट्टियाँ हैं जी आपको? मुझे तीन चार छुट्टियाँ हैं। और कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ईद कैसी गुजर रही है आपकी? ईद सो के गुजर रही है, क्योंकि छुट्टियाँ हैं तो बस मुझे पूरी दे रही है। तो आप भी बरसों क्या कहना चाहेंगी? बस ईद इंजॉय करें अच्छे से, क्योंकि ये दिन जो है जैसे भी आते सब आप एक दूसरे के रिलेटिव से मिले, जो नाराज हैं या गुस्सा है, मोहब्बत बांटे, एक दूसरे के घर जाएं, घूमें फिरें। और सबसे अच्छा है कि मौसम बहुत प्यारा है। ठीक है, मेरी इनवाइट किया, आज खाना बनाया, हम भी बना रहे हैं। तो भी ऐसे है कि अपने बहन भाइयों में सब, क्योंकि ईद बहन भाइयों के साथ है, इसके साथ सही बात है, सबके साथ इंजॉय करें। चले जी दूसरों से मिलवाते हैं, यहाँ देखें ओए ठीक हो के बैठ, और यहाँ यशवा हाय करो, हाय ईद मुबारक बोलो आप सबको, ईद मुबारक। तो यहाँ भी किचन विचन साफ कर दिया फरदाना ने, ये देखे काम वाम करके बैठी हैं, और मेरा मिकाइल सोया हुआ है। और यहाँ मैडम, यहाँ मैडम क्या कर रही हो? ये दो दिन हो गए यहाँ पे ही है, और वहाँ देखिए इथन सो रहा है। तो मैरा ने क्या बनाया है, चिकन, वाओ बहुत मजे का लग रहा है। तो मैं कराची खा देनी मेरे उधर। तो यहाँ देखें जी बहुत ज़बरदस्त व्यू आ रहा है, ये देखें कराची का मौसम देखें क्या खूबसूरत है। मुझे तो बहुत खुशी है कि ईद का दिन है, और बहुत अच्छे से ईद जो है आज पहला दिन गुजर गया, और इंशाल्लाह आगे भी अच्छा इससे भी अच्छा, और इससे अच्छी हवा, अच्छा मौसम रहे, और सब खूब मज़े करें। आने जाने का भी, घूमने फिरने का भी मज़ा आता है अगर मौसम अच्छा हो। तो चलें जी, खाना जो है वो लग चुका है। यहाँ देखें साइलेंट चिकन और रोटी, और चावल जो है ना अब्बू को पसंद नहीं है, अब्बू नहीं खाते, इसलिए अब्बू को रोटी पसंद है और रोटी का ही इंतज़ाम किया गया है। और यहाँ आ गई कोल्ड ड्रिंक, यहाँ मिले जीजू से। जीजू को बुखार है, ये कल मेरा पता लेने गए थे और मैं तो ठीक थी, पता नहीं आते ही इन्हें बुखार हो गया। मैंने कहा जी मैंने कुछ नहीं दिया, ये खुद से आया है, क्योंकि ये छत पे सोते हैं बारिश में, और बारिश ने गिफ्ट दिया है इन्हें बुखार, ऐसे ही है ना। हो गया स्टार्ट। व्यूअर्स आज जो है ईद की दावत की हुई है सुनैरा ने और जीशान भाई ने, ठीक है, और खाना बहुत मजे का बना, और हमारी दावत है इनके घर में, और जो है इन्होंने बनाया चिकन और साथ में कोल्ड ड्रिंक और साबूदाना रख दी है। चाय चाय बना रही हूँ मैं, फिर मेरा तो रही है बर्तन, और आवाम देखें क्या कर रही है, आवाम देख रही है मोबाइल, और ये देखें बाहर अंधेरा हो गया है, और ये देखें कराची बत्तियों का शहर, ये देखें। तो चौथे फ्लोर पर हैं हम,
फरजाना की फ्रिज है और यहाँ समेरा की फ्रिज है। अभी चाय बनती है, फिर भी आपको दिखाते हैं, हमारे साथ ही बने रहिएगा। चाय बन गई है, चाय अभी मैं सर्व करने लगी हूँ। जिसने भी चाय पीनी है इतने ठंडे प्यारे से मौसम में, वो आ सकता है हमारे साथ चाय पी सकता है। और यहाँ देखिए मैडम ने बर्तन भी धो लिए और किचन अच्छे तरीके से साफ हो गया, चाय बन गई। और मैडम ये चाय वाली पतीली, ये वो वाली बात हुई कह रहे हो, किचन अच्छे तरीके से साफ कर लो और बंदा रिलैक्स हो जाता है कि किचन साफ हो गया। और इतने में एक पतीली रह जाती है और वो कहती है तेरा ध्यान किधर है कि तेरा हीरो इधर है कि एक मैं पीछे पड़ी हुई हूँ। आज समेरा के साथ भी वैसा ही हुआ है कि एक पड़ी हुई थी। चलें जी चाय देते हैं इनको। चाय जीजू वहाँ पे बैठते हैं जहाँ पे हवा नहीं आए ना, उन्हें सर्दी लगती है यार, कह रहे मेरी नहीं बनाओ, कहेंगे कोने में बैठते हैं। तो यहाँ मिले जी मेरी प्यारी सी सिस्टर से और प्यारे से बेबी की मम्मा से। आए इतना आए करो जानू, ग्वांडर ने सिस्टर है रे। आज है ईद का दिन और मेरी तरफ से आप सबको दीनी गहराइयों से बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको खुदा जो है वो नेक खुशियां दे और आप इन दिनों को अच्छे तरीके से एंजॉय करें। बहुत ही ऐसे ही ठंडा मौसम रहे प्यारे, मौसम भी बहुत अच्छा है और खूब खाएं और खूब पकाएं, आपके खाने पकाने की ईद है। सही बात है, एंजॉय करें। हाय मेरी जान ने भी हाय किया, हाय कर दो, हाय करो, हाय कर दो व्यूअर्स को, कर भी। और आप क्या कर रहे हो अभी? शुक्र है जी इसका बुखार जो है वो नहीं है, वरना कल तो परसों इसने मुझे परेशान कर दिया पूरी रात में। ये सारे मासों से बहुत उदास होते हैं। हाँ यहाँ बिल्कुल सही है। और ये देखें न्यू सूट पहन लिया, बड़ा प्यारा लग रहा है इसे। तो यहाँ मैडम लेटी हुई है, ये तीन दिन से इधर ही है। और हर सैटरडे फ्राइडे सैटरडे संडे हमारे घर पे होती है, हमारी मेहमान होती है। सही बात है, ये बच्ची ये अपनी खालों से जब साथ में रहते हैं करके, क्योंकि हम अलग घर रहेंगे तो बहुत एंजॉय करेंगे, बहुत मजा आएगा। तो अब हर सैटरडे संडे इधर होती है। कल अपनी थैलियां भाई कपड़े डाल के अपनी अपनी थैली में दोनों बहन भाई और यहाँ पे आ गए, और मिकाइल भी आना चाह रहा था रात को, और सुबह यशवा चले गए चर्च के बाद, तो ये भी इधर ही थी और मिकाइल साहब भी इधर थे। सुबह तो अभी नीला दिखाने लगी थी मुझे अपनी शॉपिंग, तो मैं चाय बना रही थी, तो नीला दिखाओ अभी मुझे। गाइस उम्मीद करते हैं आज का व्लॉग आपको आया होगा पसंद, वीडियो को करें लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब, और मिलते हैं एक नए और प्यारे से, हाँ नए से प्यारे से व्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखें और ईद खूब इंजॉय करें, ईद मुबारक। और फिर से हमारी तरफ से मेरी फैमिली की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक।